Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today's topic is animal tissue. Aaj ka jo topic hamare paas hai, ye hai animal tissue. Before discussing animal tissue, we will discuss the term tissue. As everybody knows, a group of cells is known as a tissue. It is a simple definition of a tissue. But the actual meaning, actual term for the tissue is, it is a group of cells. But those cells which have similar in structure, that work together to perform a particular function. Yani ki meri kehne ka matlab ye hai, jo tissue hai, tissue mein group of cells hota hai, jund hota hai, cells ka jund hota hai. लेकिन वो जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उन सारे सेल्स का स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम होता है, सिमिलर होता है. दूसरा चीज, जो उन सेल्स की फंक्शन होती है, काम जो होता है उन सेल्स का, वो काम जो है पर्टिकुलर होता है, खास होता है, यानी कि सेम होता है. ओरिजिन उन सेल्स का सेम होता है. फिर से सुनिएगा, जो टिश्यू है, टिश्यू में बहुत सारे सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं. लेकिन कैसे सेल्स होते हैं, वो सेल्स जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर जो है सेम होता है. दूसरा चीज, जो उन सेल्स का फंक्शन होता है वो भी पर्टिकुलर सेम होता है, और वो जो सेल्स होते हैं उनका ओरिजिन भी सेम होता है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एनिमल टिश्यू. बिफोर डिस्कसिंग एनिमल टिश्यू को डिस्कस करने से पहले हमने पता होना चाहिए कि एनिमल्स में कितने टिश्यूज होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं. इन एनिमल्स देयर आर फोर बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज. एनिमल्स जो होते हैं इनमें सारे टिश्यूज जो है बेसिक चार टाइप्स के होते हैं. कौन कौन सा? फर्स्ट वन इज एपिथेलियम, और इट्स अनदर नेम इज एपिथेलियल टिश्यू. इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज अ कवरिंग टिश्यू. जो पहला टिश्यू होता है एनिमल्स में वो है एपिथेलियम, या इसको हम बोल सकते हैं एपिथेलियल टिश्यू. नाम ही एपिथेलियम, नाम से पता चलता है कि ये टिश्यू क्या है. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कवरिंग टिश्यू. सेकेंड वन इज कनेक्टिव टिश्यू. थर्ड वन इज मस्क्यूलर टिश्यू, एंड द फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू. एनिमल टिश्यू जो है चार बेसिक टाइप्स पाए जाते हैं एनिमल्स में. कौन कौन सा? एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. नाउ फर्स्ट वन इज एपिथेलियम और एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू जो है ये बिल्कुल, इट इज नोन एज द सिंपलेस्ट टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू जो है नेचर इसका ये सिंपल टिश्यू माना जाता है. ये टिश्यू जो है इट इज द प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द एनिमल बॉडी. जो एनिमल बॉडी होती है ये प्रोटेक्टिव टिश्यू माना जाता है. वैसे ही जैसे प्लांट्स में आप लोगों ने सीड की कवरिंग देखी होती है, उस कवरिंग को जैसे कि आप लोगों को पता होगा एपिडर्मिस बोलते हैं प्लांट्स में. जैसे प्लांट्स में एपिडर्मिस होता है, वैसे ही एनिमल्स में ये जो कवरिंग प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है वो एपिथेलियल टिश्यू होता है. इस एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स होते हैं, पहले हमने बोला टिश्यू जो है ये ग्रुप ऑफ सेल्स होता है. अब यहां पर ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, इस टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं, दो सेल्स आर टाइटली पैक्ड. ये आपस में बिल्कुल मजबूती से बंधे हुए होते हैं ये सेल्स. और कैसे होते हैं? दे फॉर्म ए कंटिन्यूअस शीट. जैसे कि हम शीट देखते हैं, आपको शायद पता होगा कि शीट जो होता है, जैसे कि मार्बल के लेयर्स होते हैं, बस वैसे ही ये शीट्स बनाते हैं. यही एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं, इस टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं ये टाइटली पैक्ड होते हैं और कंटिन्यूअस शीट जैसे बनाते हैं. अब यहां पे
इसके बाद एपिथेलियल टिश्यू जो है इसका हमारे जिस्म के अंदर काम क्या होता है, यानी कि एनिमल्स में अगर ये टिश्यू है तो कौन सा काम करता है ये एनिमल्स में। पहला पहला जो फंक्शन है, द सेल्स ऑफ द बॉडी सरफेस दैट इज फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ द स्किन, दे प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग सेल्स फ्रॉम ड्राइंग, इंजरी, मैकेनिकल एफर्ट्स और मैकेनिकल इफेक्ट्स। ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है इसके जो सेल्स होते हैं ये एपिडर्मिस का काम करता है, आउटर लेयर बनाते हैं, स्किन जो है एनिमल्स की स्किन जो होती है उस स्किन का जो आउटर लेयर होता है वो बना होता है एपिथेलियल टिश्यू का। ये पहला काम है। सेकंड वन इज, जो एनिमल्स में अगर हम दो तीन ऑर्गन्स को देखेंगे या देखने की कोशिश करेंगे, अगर हम माउथ, मुंह जो होता है इंसान का, अगर ये देखेंगे इसकी जो अंदर वाली लाइनिंग होती है या जो ऑलमेंट्री कैनाल होती है उस कैनाल की जो आउटर कवरिंग होती है ये भी बनी होती है एपिथेलियल सेल्स की। यानी कि सिंपल वर्ड्स में हम बोल सकते हैं एपिथेलियल सेल्स जो है दे फॉर्म द लाइनिंग ऑफ द माउथ। मुंह की जो लाइनिंग होती है जो बिल्कुल आप लोग महसूस भी कर सकते हो उसकी जो लाइनिंग होती है ये एपिथेलियल टिश्यूज की बनी होती है। थर्ड फंक्शन इज, एपिथेलियल टिश्यू हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रंस। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है इनमें काबिलियत होती है, इस टिश्यू में काबिलियत होती है क्या काम करने की, इट अब्सॉर्ब्स वाटर एंड न्यूट्रंट्स। जो हम वाटर, न्यूट्रंट, मिनरल्स जो हमारे जिस्म में होते हैं यानी कि इंटेस्टाइन, अब हम बोल सकते हैं कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स में भी मौजूद होते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन में अगर हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो होता है ये इंटेस्टाइन्स में होता है। तो इंटेस्टाइन्स की जो लाइनिंग होती है उन उस लाइनिंग में मौजूद होते एपिथेलियल टिश्यू, जिन टिश्यू की बदौलत से जो इंटेस्टाइन्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं वाटर एंड मिनरल। फोर्थ फंक्शन इज, एपिथेलियल टिश्यू हेल्प्स इन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। इंसान के जिस्म में या किसी भी एनिमल के जिस्म में जो वेस्ट्स बन जाते हैं उन वेस्ट्स को हमारे जिस्म से एलिमिनेट करने में मदद करता है एपिथेलियल टिश्यू। ये तो थे फंक्शंस। अब जो है कि एपिथेलियल टिश्यू जो है, एपिथेलियल टिश्यू इज